तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक यूनिक फीचर बताने वाला हूँ, या फिर बहुत ही कमाल का एक सैमसंग गैलेक्सी का फीचर बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही शानदार है। ये आपके फोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने मोबाइल में कॉलिंग करते हैं या फिर मतलब कॉलिंग तो हर अंधा करता है, तो यार ये फीचर बहुत ही शानदार है। और अगर आपके पास थोड़ा कुछ भूल जाता है ना, तो बहुत ही काम का ये फीचर है। तो ये फीचर क्या है, कैसे यूज करेंगे, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बहुत ही कमाल का एक यूनिक फीचर बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में आपको प्री इंस्टॉल कॉल रिकॉर्डिंग का एक फीचर मिलता है जो कि बहुत ही शानदार है। दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड मैं आपको एक फीचर बताने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ सेटिंग्स पे, आने के बाद आपको जाना है यहाँ पर, मैं आपको ले आया कॉल सेटिंग पे। कॉल सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग कॉल का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो ये आपके लिए फीचर बहुत ही काम का आएगा। तो रिकॉर्डिंग कॉल करता हूँ, तो मैंने रिकॉर्डिंग कॉल को ऑन कर रखा है, और जितनी भी रिकॉर्डिंग कॉल होती है ना, तब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आप डिलीट ऑल कॉल रिकॉर्डिंग कॉल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब तक की रिकॉर्डिंग कॉल डिलीट हो जाए और क्या हो जाए, सब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया नॉर्मल, ये तो सबको पता है। अब मैं जो कमाल का फीचर बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार है, तो उसके लिए मैं अपने नंबर पर कॉल लगाता हूँ। जब मैंने यहाँ पर आ गया, अपने नंबर से कॉल लगा ली और मैंने यहाँ पर जाके एक रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया है। तो अब इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो भी मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। वो तो आपको सबको पता है कि ये सब चीज रिकॉर्डिंग होती है। तो अब इसके अंदर एक कमाल का फीचर ये है कि जितनी भी आपने रिकॉर्डिंग करी है, जितनी देर की बात करी, मान लो किसी बंदे से आपने 10-15 मिनट बात कर लिया, कोई आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी, आपने 15 मिनट 20 मिनट जितनी दिल भी बात कर ली। अब अगर आपको लग रहा है यार इसमें मैंने तो भूल गया यार क्या क्या बातें हो जाता है, भूल जाते हैं, तो आप उस रिकॉर्डिंग का एक वहां पर समराइज कर सकते हैं कि उस ऑडियो में आपने क्या बात करी, मतलब उस रिकॉर्डिंग में आपने क्या बात करी थी, क्या इंपॉर्टेंट बात थी, वो सब आप वहां पर एनालाइज कर सकते हैं। कैसे है? अब मैंने इसको कर दिया क्लोज, कॉल क्लोज कर दिया, तो कॉल रिकॉर्डिंग होगी होगी। रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं आ गया यहाँ पर अपने फाइल मैनेजर में। तो आप फाइल मैनेजर में जाओ नहीं जाओ ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। आप उसके लिए चले जाओ अपने मोबाइल के वहां पर वॉइस रिकॉर्डर में चले जाओ। वॉइस रिकॉर्डर में जाने के बाद आपने जो लास्ट रिकॉर्डिंग करी जिसकी आपको चाहिए, आपको उस पर चले जाना है। उस पर क्लिक करने के बाद, जैसा कि आपको ऐसा यहाँ पर ऑप्शन दे रहा होगा, यहाँ से ऐसा ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, ट्रांसक्राइब पे क्लिक कर देना है। अब ट्रांसक्राइब पे क्लिक करेंगे तो वो पूरी जो कन्वर्सेशन है ना, उसको वहां पर लिख के आपको बता देगा कि आपकी क्या बात हुई थी, क्या क्या है। अब इसी के बगल में आपको एक कमाल का फीचर दिया, जैसा कि इसमें दिख रहा है ना, ये पूरी बता दी, स्पीकर वन स्पीकर टू, जैसे दूसरा मैंने म्यूट कर रखा है, दूसरा स्पीकर नहीं है वो नहीं बता रहा। अब ऐसे ही आपको समराइज करना है, तो समराइज पे जाएंगे ना, तो उसका बिल्कुल कितना छोटा बताएगा, आप देख रहे हैं उसने बिल्कुल छोटा बता दिया। जैसे कि मैंने फीचर्स के बारे में बता रहा था, फीचर बता दिया, रिकॉर्डिंग बता रहा था, रिकॉर्डिंग फीचर का उपयोग कैसे करें, इस तरीके से वाला फीचर काम करता है भाई, बहुत ही शानदार है। आप देख रहे हैं आपके सामने कितनी देर लगी और मैंने लाइव ही ट्रांजेक्शन किया, कितनी देर लगी भाई, बहुत ही शानदार फीचर, मतलब बहुत ही शानदार फीचर लगा मुझे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये फीचर पहले पता था या नहीं था, और ये फीचर कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। ऐसे नहीं अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।